वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम ज़बरदस्त किस्म का झटपट बनने वाला हलीम दलीम जो भी आप कहें वो बनाने वाले हैं, वो भी बिना गेहूं के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारा इंस्टेंट पॉट सॉटे मोड पे ऑन है। आज हम इंस्टेंट पॉट में बनाने वाले हैं, लेकिन आप किसी भी चीज़ में इसको बना सकते हैं। पतीले में बनाएं, कुकर में बनाएं, आपका जो दिल चाहे रेसिपी सेम ही रहेगी। अच्छा देखिए सबसे पहले हम एक कप तेल डाल लेते हैं। अच्छा देखें अब मैं आपको बताती चलूं कि हम ये हलीम जो है मटन में बना रहे हैं, लेकिन आप किसी चीज़ में भी बना सकते हैं। आपको बड़े का गोश्त यूज़ करना हो, चिकन यूज़ करनी हो, लेकिन हम मटन में बना रहे हैं। और हमने मटन जो है वो अपना 4 pounds लिया है हड्डी के साथ, ताकि मज़ेदार हड्डी के साथ बने। और हड्डी जो है वो आधा पाउंड ही है, 4 pounds में, यानी 3.5 pounds गोश्त है। तो चले ये सब चला गया हमारे ऑयल में। अच्छा देखें ये हमारा गोश्त जो है वो खुद ही भुन रहा है। जब तक हम अपने कुछ मसाले पीस लेते हैं, जो कि कुछ यूँ हैं कि छोटे बड़े मिला के 5-6 पत्ते ये बे लीव्स के, और ये एक छोटा टुकड़ा जायफल, एक बड़ा फूल जावित्री, 2 cinnamon stick, 1 ये बादियान, 7-8 छोटी इलायचियाँ, 3 बड़ी इलायची, 2 teaspoon ज़ीरा काला वाला शाजीरा, 1 teaspoon जो है वो काली मिर्च, और 1/2 teaspoon कलौंजी। हाँ जी बिल्कुल सही समझे आप, कलौंजी। ये हम डाल देते हैं और पीस लेते हैं। चलो देख लेते हैं हम। देखें कैसा ज़बरदस्त सा पिस गया, ताज़ा ताज़ा हलीम का टेस्ट दोबाला हो जाएगा। अच्छा चले अब हम जब तक गरम मसाला क्या कहते पिस रहा था, हमारा गोश्त भी देखें अच्छा सा हो गया। अब हम इसमें 3G paste डाल देते हैं, यानी अदरक लहसुन और हरी मिर्चें, जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिल्ली का पेस्ट 1 टेबल स्पून। तो ये चला गया अंदर। चले जी अब हम इसको हिला लेते हैं। अब हम इसमें अपने कुछ और मसाले डाल देते हैं। अच्छा देखें हमारे मसाले कुछ यूं हैं कि 1 tablespoon जो है वो सूंठ, 1 tablespoon कुटी हुई मिर्चें, 1 tablespoon चिकन पाउडर यानी 1 cube मैगी की या नोर की, 1 tablespoon चाट का मसाला, 1 tablespoon लाल मिर्चों का पाउडर, 1 teaspoon जीरा पाउडर और 1 teaspoon धनिया पाउडर, 1 teaspoon नमक, 1 teaspoon हल्दी और 1/2 teaspoon टार्टरिक। तो ये सब चला गया इसमें। चले इसको अच्छे से मिला लेते हैं हम। चले जी अब हम ऐसा करते हैं कि अपना गरम मसाला डाल देते हैं जो हमने ताज़ा ताज़ा पीसा था ना, तो हम उसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और 1 teaspoon उसमें से भर के एकदम टीस्पून वो हम निकाल लेते हैं अपने आखिर वक्त में डालने के लिए, ताज़ा खुशबू के लिए। अभी तो जायके के लिए डाल रहे हैं, बाद में खुशबू के लिए डालेंगे। तो चले वो डाल देते हैं। ये चला गया। ऐसा शानदार सा कोरमा बनाएंगे हम। चले जी अब हम अपना 1/2 cup दही डाल देते हैं इसमें। तो ये चला गया। और ये रही हमारी तली हुई प्याज, 1/2 cup है, ये भी डाल देते हैं। मिक्स कर लेते हैं अच्छे से।
अच्छा देखिए, दही के साथ हम 2-3 मिनट भूनेंगे जब तक हम अपने दालों पे आ जाते हैं। तो मैंने दालों को भिगो दिया था ओवरनाइट, आप चाहें तो आधा घंटे पहले भी भिगो दें, 1 घंटे पहले भी भिगो दें, दाल जल्दी गल जाएगी। देखिए दालें कुछ यूँ हैं, 1/4 कप मैंने चावल लिए हैं, टूटे हुए फटीचर जो भी आप ले लें क्योंकि पिस जाएंगे, 1/4 कप चने की दाल, 1/4 कप अरहर की दाल, 1/4 कप मूंग की दाल और 1/4 कप मसूर की दाल। सब दालों को हमने 1/4 लिया है तो 1 कप और 1/4 कप यानी 1/4 कप हो गया। चले जी अब दाल डाल देते हैं। आप लोग बड़े सरप्राइज हो रहे होंगे कि कर क्या रही है, लेकिन देखिए यही करना है, बड़ा मज़ेदार सा रिजल्ट होगा यूँ शॉर्टकट में। अच्छा दालें हमने माशकिनी लिए हैं, जौ नहीं लिए हैं, फिक्र ना कीजिएगा मैं भूली नहीं हूँ, लेकिन इसी तरह से बना रहे हैं हम। तो चले अब हम डालते हैं दालें। चले जी ये चली गई, अब हम इसको हिलाते हैं। देखिए हमारी जो दालें भीगी हुई थी ना उसमें 1/2 कप जितना पानी था, अब हम देख लेते हैं कि हमें कितना पानी डालना है। ये देखिए हमारा 2 कप पानी का मेजरमेंट है, ये डाल दिया हमने, अब हम देखते हैं। चले ये देखिए ये जिस तरह का लिक्विड आपको दिख रहा है, तो हम चाह रहे हैं कि जब हमारा गोश्त गल जाए और हमारी दाल बन जाए तब हमारी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। तो इसका क्या मतलब है, अब हमें पानी थोड़ा और डालना है जब ये कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा और पानी डालते हैं, जो कि हमने 1.5 कप और पानी डाल दिया, तो हमारा टोटल गया 3.5 कप पानी हमने डाला। दालों को भिगोया था तो 1/2 कप उसमें था, तो समझो दालों का पानी और सब मिला के हमने 4 कप पानी डाला है। और अब हम इसको कवर कर देते हैं। अच्छा देखिए हम सॉटे मोड को कैंसिल कर देते हैं और हम जाते हैं प्रेशर कुकर के मोड पर। तो ये आ गया हमारा प्रेशर कुकर का मोड। चले जी टाइम सेट कर लेते हैं हम, और ये 20 पे है, हम 20 पे ही रख लेते हैं। तो ये ऑन हो गया हमारे 20 मिनट पे। अच्छा देखिए ये तो इंस्टेंट पॉट में था, हमने 20 मिनट का टाइमर लगा दिया। सेम चीज़ अगर आप अपने कुकर में बना रहे हैं तो आपको टाइम पता है कि आपका गोश्त कब तक गलेगा और दालें कब तक गलेगी। और बिलफर्ज़ अगर आप पतीले में बना रहे हैं तो अब आपको सेम चीज़ ये देखनी है, जैसे मैंने जितना पानी डाला, अगर आप थोड़ा चाहें तो और डाल दें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि दाल में तो जितना भी पानी जाएगा वो एडजस्ट हो ही जाएगा। बस आपको एंड में यही देखना है कि आपका गोश्त जो है वो गल जाए और आपकी दालें जो है वो भी गल जाए। तो चले मेरा 20 मिनट का टाइमर है, प्रेशर के बाद 20 मिनट लगेगी, हम मिलते हैं जल्दी। चले देखें अब हम इसको वेंट कर देते हैं। स्टीम में तो इतनी ख़तरनाक खुशबू आ रही थी, चले अब हम खोल के देखते हैं। चले देखें हिला के देखते हैं, ये देखें ये हमारा गोश्त, देखते हैं क्या सिचुएशन है। ये देखें कितना अच्छा सा गल गया। तो अब हम क्या करते हैं, अपने गोश्त को सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। चले इसमें निकाल लेते हैं हम अपने गोश्त को। अच्छा देखिए हमने गोश्त जो है वो नान का लिया है, और गोट जो है उस वो तो क्या कहते हैं बहुत मुश्किल है कि बोन वगैरह आए, लेकिन बोन डालने हम निकाल सकते थे शुरू में भी, लेकिन हमने डाल के इसलिए रखी कि उसका जो है वो मज़ा एक डेवलप हो जाएगा, फिर अब हम बोन डिस्कार्ड कर देंगे। आप बीफ का बनाएं तो आपका दिल चाहे तो आप बोन लें, और अदरवाइज़ आप खाली बोटियों का भी बना सकते हैं। अच्छा देखें हमारी अब सारी बोटियाँ निकल गई है, हमने चुन चुन के देखें अच्छी तरह सारा चुन लिए और निकाल लिए। चले अब हम अपने इंस्टेंट पॉट को दोबारा से सॉटे मोड पे ले आते हैं। अच्छा देखें अब हम इसमें अपना ये देखिए गरम गरम बॉइलिंग वाटर डाल रहे हैं, ये कैटल में हमारा 9 कप पानी है, तो ये अब हम डाल देते हैं। चले अब हम इसे ज़रा सा घूट लेते हैं। अब ये देखें दाल हमारी बिल्कुल डाइल्यूट हो गई है। चले जी ये हमारा हो गया, बहुत पतली सी एकदम डाइल्यूटेड सी दाल हो गई है, बिल्कुल पानी वाली। अब इसमें हम
ये ओट्स डाल रहे हैं, दलिया जो इंस्टेंटली जो बन जाता है, जो हर जगह बड़ा कॉमनली अवेलेबल है, तो ये हमने 5 कप लिया है, तो अब हम इसको डाल देते हैं। चलें अब हम इसको मिक्स करते हैं। ये देखें धुआं निकलता हुआ हमारा लिक्विड होना चाहिए, उसमें हमें ये दलिया डालना है। अच्छा देखें, हमने अभी केटल में कुछ और पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ है, जो कि हमें बाद में उसकी ज़रूरत पड़ेगी। जब तक हम अपना कुछ स्पाइसेस डाल देते हैं, गेहूं के हिस्से के, दलिये के हिस्से के, जो कि कुछ यूं है कि 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर यानी कि एक मैगी की क्यूब या एक नोर की क्यूब, 1 टीस्पून हल्दी, ये सब चला गया इसके अंदर। चले अब हम इसे हिला लेते हैं। अच्छा देखिए, इस पॉइंट पर हम अपना ऑयल डाल देते हैं इसमें, जो कि 1/4 कप है, ये चला गया। ये हमारे हलीम को लीसा लीसा एकदम बनाएगा, और बेकिंग सोडा हमारे हलीम को, वो जो दलिया डाला है ना, उसको बहुत अच्छी तरह से फाड़ देगा। अच्छा देखें, अब हम इसको 10 मिनट के लिए कवर कर देते हैं और फिर मिलते हैं। चले 10-12 मिनट हो गई है और इतनी खुशबुएं ख़तरनाक आ रही है, गोश्त बाहर है और खुशबुएं आ जा रही है, और वो कह रहा है हलीम, गोश्त के बगैर मैं नामुकम्मल हूँ, मुझे डालो। तो चले देखते हैं कैसा लग रहा है। ख़तरनाक खुशबुएं, ये देखें आप, ये टेक्सचर देखें आप, ऐसा लग रहा है ना रात भर हमने गेहूँ भिगोए होंगे और तब कहीं जाके ये ऐसा, ये देखिए कैसा लग रहा है। अभी तो ये इब्तदा है, अभी तो हम इस पर काम करेंगे 2-5 मिनट और। चलिए इस पॉइंट पर हम घूटेंगे। चले देख लेते हैं, अभी हम आपको बताते हैं, हम डन नहीं हुए। ये देखें ये कंसिस्टेंसी अब यहाँ तक पहुँची है, ये जो दाना जो है वो हल्का सा दिख रहा है, तो अभी हम इसको और स्मूथ करेंगे। अच्छा देखें, हमने 2-3 मिनट ही इसको घूटा होगा और ये इतना अच्छा हो गया है। और अगर आपके पास ये, सपोज़ ये मशीन ना हो, तो फिक्र की बात नहीं है, आप ग्राइंडर में भी ये थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी डाल के और फिर आप ये सेम यही रिज़ल्ट ला सकते हैं। अदरवाइज़ अगर घोटने का दिल है तो उससे भी घोट सकते हैं, क्योंकि ख़ुद इतना अच्छा बेचारा गल गया है, इतनी मेहनत करनी ही नहीं है हमें। देखिए कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी हो गई, ये देखें। अब ये कम्प्लीटली आप पर है, कोई थिक पसंद करता है, कोई थिन पसंद करता है। हम अभी इसमें 1 कप पानी डालेंगे बॉइल्ड, ये 1 कप चला गया। मिला लें, अब पका हुआ ही पानी डालें, गर्मा गर्म, कच्चा नहीं डालिएगा। 10 मिनट के लिए हम कवर कर देते हैं। चले अब हम क्या करते हैं, अपनी बोन्स को डिस्कार्ड करते हैं और मीट को श्रेड करते हैं। बोन्स तो ये तो दिख गई हमें झटपट एकदम। ये भी देखें, इसमें भी कुछ थोड़ा मीट लगा हुआ हो तो निकाल लेंगे, अदरवाइज ये भी सही है। चलिए जी हम श्रेड कर देते हैं। ये देखिए कितना टेंडर हो गया है, हम ज़रा यूं कर रहे हैं ऐसी में श्रेड हो रहा है। अच्छा देखिए हमारा कितना ज़बरदस्त सा श्रेड हो गया है, क्योंकि इतना गला हुआ था कि हम यूँ करते हैं और वो बोटी बोटी रेशा रेशा हो रही है। तब ये अब हम ढेर सारा मीट डाल के और उनको खुश कर देंगे, दालों को और गेहूं को। चले जी, ये देखिए कितना अच्छा बॉइल्ड हो रहा है, ये देखिए बबल जो आ रहा है ना, बस इतना देखें, इसका मतलब ये पक 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 के बबल्स आ रहे हैं, बड़ा शानदार सा हो गया है।
और अब ये जब तक हमने श्रेड किया इसकी कंसिस्टेंसी कुछ यूँ है। अब आप लोग पे कम्प्लीटली है कि आप लोग अगर थिन चाहें तो पानी डाल सकते हैं और गोश्त डालने के बाद भी हम डाल सकते हैं। तो अभी हम गोश्त डाल रहे हैं और फिर हम देखते हैं कि हम चाहेंगे तो थोड़ा डाल देंगे बॉइलिंग वाटर। तो चले हमारा मीट जा रहा है अंदर। अच्छा चले अब बस हम मीट के साथ इसको थोड़ा सा घोट लेंगे ताकि मीट और दालें और गेहूं ये सब जो है वो अच्छी तरह से मिल जाए। अगर आप बीफ यूज़ कर रहे हैं तब तो आप वो मशीन दोबारा चला सकते हैं एक मिनट के लिए, लेकिन जब मटन पकड़ा हो तब आप मैं सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि वो बहुत रेशा हो जाएगा, हाथ से ही करें। अच्छा देखें 2-3 मिनट हुए हम क्या कहते हैं गोश्त को और ये हम अपनी दालों को ये देखें इस वाले चम्मच से मिला रहे हैं, ये देखें कैसा लग रहा है। अच्छा देखें ये कंसिस्टेंसी बहुत ज़बरदस्त है, रेडी टू गो खाने के लिए है, लेकिन जब हम जैसे निकाल के रख देंगे तो वो जम जाएगा, थोड़ा सा थिक हो जाएगा, तो थोड़ा सा हमें रनी करना है। अब अपनी मर्जी है, कोई थोड़ा ज़्यादा रनी करता है कोई कम, लेकिन मैं डेफिनेटली इसमें थोड़ा बॉइलिंग वाटर डाल रही हूँ, 1/4 कप के आसपास। अच्छा देखें पानी हमारा अच्छी तरह हमने जो डाला था वो हल हो गया है, मिक्स हो गया है। अब जो हमने 1 टीस्पून नहीं अपना गरम मसाला पीसा था और जो बचा के रखा था वही इस पॉइंट पर डाल के चले जी अब हम इसे 5 से 10 मिनट कवर करके दम पर लगा देते हैं गरम मसाला वाला। इस पॉइंट पर कुछ लोग प्याज का तड़का भी मारते हैं, लेकिन हमने सारी चीज़ें इतनी अच्छी तरीके से कर ली हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप चाहें तो इस पॉइंट पर प्याज का तड़का मार सकते हैं थोड़े से ऑयल के साथ। चले मिलते हैं 5 मिनट में। ये देखिए कोई कह ही नहीं सकता कि ये हमने बिना मेहनत के ये हलीम बनाया है, कोई नहीं कह सकता। चले जी अब हम डिश आउट करते हैं। देखा कैसा ख़तरनाक हलीम बन गया बिना मेहनत के, कुछ करना ही नहीं पड़ा, ये झटपट गोश गला और हमने झटपट सारा डाला और यमी सा ऐसा लग रहा है ओवरनाइट घूट घूट के गेहूं भिगो भिगो के बनाया है। तो चले मैं ट्राई करती हूँ, आप लोग आज तो मैं बड़ा मिस कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों की बेहद फरमाइश थी कि हलीम बनाए हलीम बनाए दलीम बनाए हलीम बनाए, तो चले मैं ट्राई करती हूँ। चले जी मैं तो और भी चटपटा करके खाऊंगी स्कूल और कॉलेज के ज़माने की तरह, चाट का मसाला भी डालूंगी। माय गॉड बिलीव करें ये ऐसा हलीम लग रहा है जैसे घसीटा खान का हलीम, घसीट घसीट के पूरी रात मेहनत करके बनाया हुआ है। प्लीज़ आप लोग बनाएं, खाएं, मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, फिर लौट के आऊँगी एक बेहतरीन रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।